Async await in JavaScript. So async और await जो है एक कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के ECMAScript 2017 में जो वर्जन लॉन्च हुआ था उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। Async and await make promise easier to write. अगर आप प्रॉमिस के साथ काम कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस अगर आपने यूज किया हुआ है तो आपको असिंक और अवेट आपको यूज करना पड़ेगा। असिंक एंड अवेट्स आर कीवर्ड्स यूज्ड बिफोर फंक्शंस। असिंक और अवेट जो हैं बेसिकली कीवर्ड्स हैं जो कि आप फंक्शन से पहले आप यूज करते हैं। सो इसका मतलब ये हो गया कि आप कुछ फंक्शंस बनाएंगे और उससे पहले असिंक और अवेट फंक्शन यूज करेंगे। असिंक मेक्स अ फंक्शन रिटर्न प्रॉमिस। सो असिंक जो फंक्शन होता है वो एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है और अवेट मेक्स अ फंक्शन वेट फॉर अ प्रॉमिस। सो यहां पर हम देख लेते हैं कि असिंक एंड अवेट आर यूज्ड बिफोर फंक्शंस। सो फॉर एग्जांपल सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम चलें तो एक फंक्शन है, मान लीजिए ए नाम से एक फंक्शन होगा और असिंक जो है कीवर्ड है जो कि आपको फंक्शन से पहले लिखना है, ये मैंने यहां पर लिखा। और दूसरा जो है अवेट आर कीवर्ड्स यूज्ड बिफोर फंक्शन। सो असिंक और अवेट जो है वो बेसिकली कीवर्ड्स हैं। सो यहां पर मैंने अवेट किया एंड देन फंक्शन एंड देन बी यहां पर आपने किया। सो इस डेफिनेशन के हिसाब से असिंक और अवेट दो कीवर्ड्स हैं जो कि फंक्शन से पहले लिखे जाते हैं। सो यहां पर असिंक और अवेट हमने लिखा है। असिंक मेक्स अ फंक्शन रिटर्न प्रॉमिस। सो जो असिंक आपने लिख रखा है उस फंक्शन का काम हमेशा जो है रिटर्न करना है किसी ना किसी प्रॉमिस को। सो यहां पर मैंने लिख दिया अभी रिटर्न प्रॉमिस। अवेट मेक्स अ फंक्शन वेट फॉर अ प्रॉमिस। सो अवेट के अंदर जो है बेसिकली किसी न किसी मेथड को जो है वो वेट करेगा। सो यहां पर हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा लेट बी इज इक्वल टू अवेट और इसको मैंने फैट एरो बनाया, यहां पर फैट एरो फंक्शन बनाया और यहां पर जो है हम इसको वेट करेंगे। सो जो है ये असिंक लिखा, असिंक फंक्शन के अंदर हमेशा अवेट फंक्शन होता है। सो मैंने यहां पर किया अवेट अवेट एंड देन फंक्शन का नेम बी यहां पर हमने बेसिकली इसकी कॉलिंग करवाई। सो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। द फंक्शन ईवर्ड इज यूज्ड इनसाइड दी असिंक फंक्शन। सो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो ये एग्जाम्पल यहां पर हमने लिया, एक फंक्शन बनाया, एग्जाम्पल नाम से फंक्शन बनाया और उस फंक्शन से जस्ट पहले मैंने असिंक लिखा और उस फंक्शन की मैंने कॉलिंग करवाई लास्ट में। और इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हमने कहीं ना कहीं अवेट यूज कर रखा है। तो अवेट जो है किसी न किसी फंक्शन से पहले आपको यूज करना है। सो प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट बना रखा है प्रॉमिस क्लास का, वहां पर हमने यूज कर रखा है। सो वेट अंटिल द प्रॉमिस रिजॉल्व। सो सेट टाइम आउट मेथड से क्या होगा कि 2 सेकंड बाद ये रिजॉल्व करेगा और रिजॉल्व में डन आएगा एंड देन तब तक के लिए ये अलर्ट रुका रहेगा। सो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से और हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। डी में गए प्रोजेक्ट और यहाँ से मैंने लिखा असिंक एंड अवेट। यहाँ असिंक असिंक अंडरस्कोर अवेट नाम से एक फोल्डर बनाया और इसको वीएस कोड में हम स्टार्ट करें। यहाँ टर्मिनल पे हमने कोड स्टार्ट किया और सबसे पहला काम है पैकेज डॉट जेसन फाइल बना ली हमने एंड देन जो है हमारी फर्स्ट टेस्ट फाइल बना लेते हैं इंडेक्स डॉट जेएस। यहाँ से आप जाके इसको नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस करके रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस फंक्शन को मैंने पेस्ट किया। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि सबसे पहले असिंक जो है वो बाहर वाले फंक्शन पे लिखा जाता है। सो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि जो असिंक आप यूज करोगे कीवर्ड वो पेरेंट या आउटसाइड वाले फंक्शन पे यूज किया जाएगा। सो यहाँ पर मेरा आउटसाइड वाला फंक्शन है। सो इसको एग्जाम्पल की जगह मैंने आउटसाइड लिख दिया और आउटसाइड मैंने लिख दिया आउटसाइड यहाँ पर लिखा। और जो अवेट है वो एक प्रॉमिस पर हमें करना पड़ेगा। सो बेसिकली अवेट कीवर्ड का हम फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। अगर इसको मैं रन करके देखें सो आप यहाँ देखना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तब तक अलर्ट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। सो अलर्ट की जगह हम यहाँ पर कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं।
कॉन्सोल डॉट लॉग। सो कॉन्सोल डॉट लॉग जो होगा, अब इसको मैंने कंट्रोल एल किया और इसको रन किया मैंने। आप देखिए कम से कम 2 सेकंड तक कॉन्सोल लॉग नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर हमने जो है अवेट कीवर्ड यूज किया था, तो ये तब तक एग्जीक्यूशन रुका रहा, ये आगे एग्जीक्यूशन इसने नहीं बढ़ने दिया जब तक कि जो है हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ। तो 2 सेकंड का हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व था, बेसिकली 2 मिलीसेकंड, 200 मिलीसेकंड, मतलब 2 सेकंड का प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, और रिजॉल्व होते ही हमारा जो अवेट कीवर्ड है इसको वेट कर रहा है। तो इसी तरीके से मैं एक सेकंड एग्जांपल और ले सकता हूँ, index2.js। एंड यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, जैसे मैंने फंक्शन बनाया, ए फंक्शन बनाया, और ए फंक्शन को मैंने असिंक फंक्शन यूज किया है यहाँ पर, असिंक, और ए फंक्शन की मैंने कॉलिंग करवाई यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल। अभी यहां पर मैं जो है इसको सिंपल सा एक कॉन्सोल लॉग करवा लेते हैं। यहां पर मैंने कॉन्सोल लॉग करवाया, ओके। और मैं इस फाइल को अगर रन करूं सिंपल सा टेस्ट करके देखते हैं, सो index2.js, ओके, मैसेज आ रहा है। अब यहां पर असिंक फंक्शन के अंदर हमेशा अवेट यूज करते हैं, सो यहां पर मैंने अवेट यूज किया, और अवेट के बाद मैं किसी न किसी फंक्शन के लिए वेट कर सकता हूं। सो यहां पर जो है अवेट फंक्शन जो है किसी न किसी ऐसे फंक्शन के लिए वेट करेगा जो कि बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर मैंने बी नाम का फंक्शन जो है बेसिकली यहाँ पर कॉल करवाया। सो देखते हैं क्या होता है। सो हालांकि अभी बी नाम का फंक्शन डिफाइंड नहीं है, सो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर इसने बताया बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, चलिए बी इसको डिफाइन करते हैं। सो फंक्शन बी, एंड देन फंक्शन बी का काम होगा रिटर्न करना, जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर मैंने लिखा प्रॉमिस, और इस प्रॉमिस के अंदर हमें कॉल बैक हमें फंक्शन पास करना पड़ेगा, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, एक रिजॉल्व होता है, एक रिजेक्ट होता है। सो रिजॉल्व एंड रिजेक्ट ये दोनों ही कॉल बैक फंक्शन है, और यहाँ पर हमने इसको जो है रिजॉल्व कर दिया है, रिजॉल्व करेंगे इसको, रिजॉल्व मेथड को कॉल करवाया, और यहाँ पर मैंने बोल दिया रिजॉल्व फ्रॉम बी फंक्शन, यहाँ पर मैंने किया। एंड देन इसको हिट करके देखते हैं अब क्या हो रहा है, ओके मैसेज आ रहा है, और इसको मैंने यहाँ पर किया पेस्ट, एंड देन अब रन करके देखते हैं, ओके मैसेज आ रहा है। और अब इसको अगर मैं सेट टाइम आउट यूज कर लूँ, सेट टाइम आउट यहाँ पर यूज करें, सेट टाइम आउट फंक्शन यूज करें, सो पहला होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन, और दूसरा होता है हमारा मिली सेकेंड। सो यहाँ पर मैंने दिया 5000 मिली सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड में ये होगा, और यहाँ पर जो है मैंने एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर मैंने लिखा, देन इसके अंदर मैं रिजोल्व करूंगा इसको। सो डेफिनेटली आप देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि ये ओके मैसेज प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा तब तक ये कोड का एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगा। सो यहाँ पर जो है मैंने ये देखिए रन किया, ओके मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है, तब तक प्रिंट नहीं होगा जब तक हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाएगा। जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ तो एग्जीक्यूशन का लाइन, जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा था तब तक लाइन नंबर 10 पर एग्जीक्यूशन जो है कुछ समय के लिए वेट था, जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया उसके उसके बाद इसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। सो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से देखते हैं, चूंकि यहाँ पर हमने एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रखा है, तो यहाँ पर आप लेट पी इज इक्वल टू प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, इसको मैंने पीओ बोल दिया, लेट ये बी मेथड की कॉलिंग में यहाँ से रिटर्न, हमने एक प्रॉमिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रखा है। अब जाके आप यहाँ पर कॉन्सोल लॉग पीओ करवा सकते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग, और आप यहाँ पर करवाएंगे पीओ। सो सेव किया, एंड देन इसको आप रन करेंगे। सो यहाँ पर देखिए ये 5 सेकंड तक एग्जीक्यूशन रुका हुआ है, और जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, रिजॉल्व फ्रॉम बी फंक्शन ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप असिंक और अवेट फंक्शन यूज करना है। तो सबसे पहली बात जो है असिंक फंक्शन आउटसाइड वाले फंक्शन पे यूज करना है, और अवेट कीवर्ड हमेशा असिंक फंक्शन के अंदर यूज किया जाता है। पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं वापस से, असिंक एंड अवेट मेक्स प्रॉमिस इजियर टू राइट। सो जब भी आपको प्रॉमिस लिखना है, प्रॉमिस पर वर्क करना है, तो असिंक और अवेट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं।
दूसरा है असिंक एंड अवेट्स आर कीवर्ड्स यूज्ड बिफोर फंक्शंस। सो किसी भी फंक्शन की फंक्शन से पहले जो है ये दो वर्ड यूज किए जाते हैं कीवर्ड्स, असिंक फंक्शन एंड अवेट, जो ये दोनों कीवर्ड है ये यूज किए जाते हैं। असिंक फंक्शन हमेशा आउटसाइड फंक्शन में यूज किया जाता है और अवेट इनसाइड वाले फंक्शन में यूज किया जाता है। असिंक मेक्स फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस। जब भी आप किसी फंक्शन की कॉलिंग से पहले अवेट लिख देते हैं तो ये इस बात का प्रूफ हो जाता है कि वो फंक्शन किसी ना किसी प्रॉमिस को रिटर्न करेगा। यहां पर देखिए वापस से, असिंक मेक्स अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस। सो असिंक मैंने यहां पर लिख दिया, असिंक मैंने यहां पर लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये ए फंक्शन जो है कहीं ना कहीं इसके अंदर एक प्रॉमिस रिटर्न होगा, और अवेट मेक्स फंक्शन वेट फॉर अ प्रॉमिस। सो यहाँ पर अवेट जैसे ही मैंने लिखा तो बी फंक्शन जो है वेट, यहाँ पर ये वेट करेगा किसी न किसी प्रॉमिस के लिए। सो यहाँ पर ये देखिए ये प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न मैंने प्रॉमिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको रिटर्न करवा लिया। एंड द कीवर्ड अवेट इज यूज इनसाइड द असिंक फंक्शन। जो अवेट जो कीवर्ड है वो हमेशा असिंक फंक्शन के अंदर यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप सक्सेसफुली असिंक और अवेट फंक्शन पे वर्क कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को हमें गिटहब पे अपलोड कर देते हैं। सो गिटहब पर हमने किया गिटहब और एक नई रिपोजिटरी बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट सिंक अवेट तो इस तरीके से गेट पर ये सोर्स कोड अपलोड हो जाएगा एंड डेफिनेटली मास्टर ब्रांच पर अपलोड हो गया है, तो यहाँ से आप मास्टर ब्रांच स्विच कर सकते हैं।